टुडे टॉपिक इज आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन एनर्जी, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू टेक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द गिवन ऑर्बिट टू इंफिनिटी। आयनाइजेशन एनर्जी इक्वल टू ई इनफाइनाइट माइनस ई एन, इनफाइनाइट इक्वल टू जीरो माइनस ई एन। एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट इक्वल टू जीरो माइनस माइनस एम ई पावर फोर अपॉन एट एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर इनटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। एम इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, जेड इज एटॉमिक नंबर, एन इज नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। तो आयनाइजेशन एनर्जी इक्वल टू एम ई पावर फोर अपॉन एट एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। इसकी सबकी वैल्यू पुट करेंगे तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी वैल्यू आती है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इनटू 10 पावर माइनस 19 जूल जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन पोटेंशियल, पोटेंशियल इक्वल टू एनर्जी अपॉन चार्ज। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी अपॉन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आयनाइजेशन पोटेंशियल इक्वल टू एम ई क्यूब अपॉन एट एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, आयनाइजेशन पोटेंशियल इक्वल टू प्लस 13.6 वोल्ट जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। नंबर ऑफ डिफरेंट वैल्यू ऑफ लैम्डा व्हेन मेनी इलेक्ट्रॉन्स जंप्स फ्रॉम ऑर्बिट n1 टू ऑर्बिट n2 देन फोटॉन ऑफ डिफरेंट वैल्यू ऑफ लैम्डा आर इमिटेड। Then the total number of different values of lambda is delta n plus 1 upon 2 into delta n. Delta n equal to mod n1 minus n2. Hydrogen-like atom. It means that there is nucleus surrounded by only one electron. Other electron can be removed by ionization. Example of such atoms are single ionized helium. Put Z equal to 2. Doubly ionized lithium, put Z equal to 3. Triply ionized beryllium, Z equal to 4. Next topic, de Broglie atom. The moving particle are associated with wavelength lambda equal to h by p equal to h by mb, where mvp is mass, m is mass, v is velocity, p is momentum of moving particle, h is Planck's constant. De Broglie suggested that the orbit is like a stationary wave wrapped around the nucleus in the circular orbit. The electron at the nodes of stationary wave. If the wavelength of lambda only those orbit which have circumference as the whole number multiple of lambda. This is nucleus and this is stationary orbit. Stable orbit. The circumference length 2 pi r is the whole number multiple by lambda or h by mb. 2 pi r equal to n lambda equal to nh by mb. 2 pi r mb equal to nh. So mbr equal to nh by 2 pi. H is Planck's constant, n is number of orbit, m is mass of electron, v is velocity of electron, r is radius from nucleus. Thank you.